उनके भी तीन कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उनके तीन कार्यकर्ता मारे गए तो पुलिस क्यों वहां चुपके बैठी हुई है? पुलिस क्यों नहीं उतरती है सड़क पर, क्यों नहीं आगजनी को रोकती है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। बाकी मैं ये सवाल पूछता हूं और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चित्रा जी ममता जी के उस भाषण को सुनाइए, भाषण नंबर एक, जब वो अंतिम दिन अपने कैंपेन में कह रही है कि ठीक है चुनाव खत्म होने के बाद का समय हमारा समय होगा, सीआरपीएफ कुछ दिन रुकेगी फिर चली जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, उसके बाद का समय हमारा होगा और उसके बाद वो क्या कर रही है वो हम सब देख रहे हैं। परसों भी जब उन्होंने शांति की अपील की, वो शांति की अपील नहीं थी, उसमें भी वो कह रही है बीजेपी के लोगों ने हम पे अत्याचार किया था, सीआरपीएफ के केंद्रीय फोर्स ने हम पे अत्याचार किया था, मगर अभी आप अशांति मत करो। ये अशांति, ये जो अशांति का जहर उन्होंने शांति के अपील में भी फैलाया है ना, ये पूरा हिंदुस्तान। जवाब ले लेते हैं इस पर, जवाब दीजिए। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है रिजु दत्ता, क्या आप उनसे जीने का अधिकार छीन लेंगे? 2 तारीख के शाम से ही लगातार अलग अलग जगहों से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ममता दीदी अब जाकर बैठक कर रही हैं। किस बात का इंतजार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? ऐसा तो है नहीं कि वो नई नवेली मुख्यमंत्री बन रही हैं, 10 सालों से उनका शासन था वहां पर। देखिए चित्रा जी, अभी मैं थोड़ा बोल लूं, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इन लोगों ने जो जहर घोला है, इन लोगों ने जो नफरत फैलाया 4 महीने में, आज इलेक्शन के बाद भी ये लोग यही ड्रामा कर रहे हैं। नड्डा जी क्यों आया बंगाल में? इनका ड्रामा हो रहा है, इनके कार्यकर्ता से मिलने आया? कुछ नहीं, मैं चित्रा जी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, रिजल्ट निकलने के बाद मेरे जैसे एक छोटे प्रवक्ता को कम से कम इनका 5 MLA का फोन आ गया, हम टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 इनके MP हमारे बड़े बड़े लीडर्स को फोन कर रहे हैं, अपने पार्टी को बचाने के लिए ये ड्रामे चल रहे हैं। और आपको ये जो संबित पात्र जी यहाँ बैठ के रेप गैंगरेप बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हैं, जो टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, बंगाल वेस्ट बंगाल पुलिस सोशल मीडिया में आपको ओपनली बोल दिया है कि ये फेक न्यूज है, ये जो आप लोगों का एक फेक न्यूज फैक्ट्री है ना सर, इसको चलाना बंद कीजिए। जब तक ये चुनाव चल रहा था ना, तब तक तो बातें समझ में आ रही थी, अब आप सरकार में हैं, कौन सा फेक न्यूज है? 10 लोग मारे गए ये झूठी खबर है? झूठी खबर है। 1 सेकंड रिजु दत्ता, महिलाओं के बाल पकड़ पकड़ के सड़क पर उनको पटका जा रहा है, ये झूठी खबर है? शर्म नहीं आ रही है आपको इस तरह की बातें करते हुए? आपको पता नहीं? नहीं नहीं चित्रा जी, आपको पता है जो महिला वाला वीडियो दिखाया गया है वो कोई टीएमसी वायलेंस नहीं है, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस है? सड़क पर महिलाओं को पीटा जा रहा है, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस है? चित्रा जी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, नानूर में जो ईवीएम जो प्राप्त पुराने राज्यसभा के सांसद छपुन दादा ने ट्वीट किया कि नानूर में रेप कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, आपको पता है वो पूरा का पूरा झूठा काम है। इनके झूठी खबरें फैला रहे हैं उनको पकड़िए ना रिजु दत्ता। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित कर रही हैं, और अगर वो झूठी खबरें हैं तो ममता बनर्जी अधिकारियों को बुलाकर इस समय क्यों बैठक कर रही हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं जयंत दा आपके पास फॉरवर्ड करती हूं, पहले समित पात्रा। चित्रा जी मुझे प्लीज बेरोक टोक बोलने दिया जाए। मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कार्यकर्ता परेशान है, कम से कम हम चिल्लाकर इस डिबेट में तो इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग न करें कि नड्डा जी ड्रामा करने आए। आप जानते हैं कि रिजु जी, मैं तो एक साधारण सा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 100 फोन हमें आ चुके हैं कि प्लीज हमें बचा दो, और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है संबित जी आप टीवी पे आते हैं, गलती से मेरा नाम मत ले लेना कि मैंने आपको फोन किया, वरना हमें वो छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति आप विश्वास नहीं करेंगे चित्रा जी। और यहां बताया जा रहा है ये टीआरपी के लिए हो रहा है, ये जो वीडियो में जो महिला, एक बूढ़ी सी औरत का फोटो चल रहा है, आप देखिए उस बूढ़ी सी औरत ने किस प्रकार भाजपा का झंडा उठाया हुआ था, बाद में उसका सर फोड़ दिया गया है। डेड बॉडीज की जो फोटो चल रही है ये टीआरपी के लिए फोटो चल रही है? अभिजीत सरकार बीआरपी के लिए? एक सेकंड सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत, बेशर्मी मत दिखाइए, बेशर्मी बिल्कुल मत दिखाइए, प्लीज बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग, डोंट बिहेव एज अ इनह्यूमन पर्सन, पहले इंसान बनिए, पहले इंसान बनिए। चित्रा जी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल। जंगली पालतू को तो आज मजल पहना दिया गया है। देखिए मुझे आपत्ति है चित्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं, और हमारे लोगों को जंगली बोला जा रहा है? ये जिन लोगों की हत्या हुई जंगली लोग थे? वो बूढ़ी माँ जंगली है? जिन महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव आप लोग कर रहे हैं ये जंगली है? ये आप पट्टा पहना रहे हैं? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। और मुझे लग रहा है, देखिए आपने अगर तीसरी बार सरकार बनाई है रिजु दत्ता, तो बीजेपी की भी ठीक है, बीजेपी की बता रही है कि 3 से इतनी ज्यादा सीटें मिली है, ये जो महिलाएं बाहर निकल रही है, ये महिलाएं टीआरपी के रो रही है,
ये जो महिलाएं वहां बिलख बिलख के रो रही हैं, थोड़ी ना आप चुपचाप बैठिए। अब मैं जरा जयंत घोषाल जी के पास आना चाहती हूँ, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए। एक तरफ कोरोना के काले लोगों की मौतें हो रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़ रहे हैं वो कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव लड़ा, और यहाँ पर इस तरह की तू तू मैं इस बयानबाजी से जरा बाहर निकलते हैं।